दुनिया की सबसे विचित्र महिलाएं जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 5, टीना बेट्टी। टेक्सास में रहने वाली टीना बेट्टी को वर्ष 2014 में डॉक्टरों ने बताया कि उनकी नाक में लेवल 2 का कैंसर है, जिसके कारण उनकी नाक को हमेशा के लिए काट कर हटाना होगा। इस तरह उनकी नाक को काट कर हटा दिया गया। शुरू में टीना काफी चिंतित थी कि उन्हें देखकर उनके घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन घर के सभी लोगों का रिएक्शन उनके प्रति बिल्कुल नॉर्मल था। शुरू में टीना बाहर नाक ढककर या एक आर्टिफिशियल नाक लगाकर जाया करती थी। फिर उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो बिना आर्टिफिशियल नाक और बिना चेहरा ढके ही बाहर जाएंगी, और फिर वो उस तरीके से ही रहने लगी। नंबर 4, पामीला एडम विटारा। केन्या की रहने वाली 24 साल की पामीला एडम विटारा की समस्या वास्तव में बेहद विचित्र है। उनके शरीर की बनावट बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उनके स्तनों का आकार सामान्य से बहुत ही अधिक। इस कारण उन्हें सामान्य जीवन जीने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं। जब भी ये बाहर निकलती हैं, तो स्तनों के असामान्य साइज की वजह से लोगों की नजरें भी इन्हें घूरती रहती हैं। हालांकि इन्होंने अपनी समस्या को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया और अपने सपनों को पूरा करने में जी जान से लग गए। आज ये एक सफल मॉडल और एक्ट्रेस है। नंबर 3, कवांडा। ब्राजील की रहने वाली कवांडा नाम की महिला बार्बर से सिंड्रोम नाम की एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। माना जाता है कि अब तक पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ 20 बच्चे ही इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। ये जर्मनी की पहली मरीज है जिन्हें इस बीमारी का शिकार पाया गया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी की वजह से चेहरे की बनावट बेहद अजीब हो जाती है। कवांडा के साथ भी यही हुआ। उनके चेहरे की बनावट बिल्कुल अजीब हो गई और साथ ही साथ उन्हें कई और तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने अपने साथ रहना सीख लिया और अब वे अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हैं। हालांकि उन्हें खुद को फिट रखने के लिए समय समय पर विभिन्न सर्जरी से गुजरना पड़ता है। वो अब तक 20 अलग अलग तरह की सर्जरी करवा चुकी हैं, तथा भविष्य में और भी सर्जरी करवानी पड़ सकती है। कवांडा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है तथा इनकी फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। नंबर 2, मारिमाओ डियालो। मारिमा डियालो एक जानी मानी पहचानी मॉडल है, साथ ही ये मिस गुएना, मिस वेस्ट अफ्रीका जैसे खिताब भी जीत चुकी हैं। ये कई विश्व स्तरीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग भी ले चुकी हैं, लेकिन वर्ष 2018 में इनके करियर में एक भूचाल सा आ गया। दरअसल इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल मेकअप के लिए करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से उनके चेहरे पर बहुत भयानक तरीके से दाने निकलने शुरू हो गए और उनका पूरा चेहरा ही बदल गया। इस कारण इन्होंने कंपनी को कोर्ट तक में घसीट लिया। ये समस्या इतनी गंभीर है कि अब तक भी अपना इलाज करवा रही है। नंबर 1, टिग्नो। जर्मनी की टिग्नो नाम की महिला को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था। ये एक साधारण कामकाजी महिला थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी को छोड़ते हुए जर्मनी से अमेरिका आने का फैसला किया, जहां वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मॉडलिंग में करियर बनाने लग गई। ये आम मॉडल नहीं बल्कि टैटू मॉडल है। ये लगातार अपने शरीर पर अलग अलग टैटू बनवा रही है। अब तक इनके शरीर का 60% हिस्सा टैटू से ढक चुका है, लेकिन इनका प्लान सर से लेकर पांव तक टैटू बनवाने का है। ये अपने टैटू की वजह से टैटू लेडी के नाम से भी पहचानी जाने लगी है। तो ये थी दुनिया की विचित्र महिलाएं। आपको इनमें से कौन सी महिला सबसे ज्यादा अजीब लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।